अरे ले बा कस के सैया रे, अब पटना से चला था दवैया रे, तब भाजपा वाला के माथा होगा फेल। हाँ। आ तेजस्वी दिए रेल। तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि सरकार आती जाती रहती है, जो आप कर रहे हैं ना, आप उसको याद रखिएगा। घर में घुस के मारेंगे बोले थे। अरे तो वही तो कह रहे हैं, तो घुस घुस करके किया जा रहा है, ये होना चाहिए था। और मैं सैल्यूट करता हूँ महागठबंधन के नेताओं को, बिल्कुल सही तरीके से ट्रीटमेंट आपने किया। सांसद को आप लोग नहीं पहचान रहे की ये सांसद है, सिग्रीवाल जी को आप लोग मार के कपार फड़वा दिए। तो काहे नहीं पिटाएंगे, कौची हो गए, बड़का गोगो है उनका, हैं? जनता लोग पिटाएगा, किसान लोग पिटाएगा, हैं? अभ्यर्थी लोग पिटाएगा, पुलिस लोग के मने आंख में मिर्चाई झोंकिएगा। आप बड़का गोगो हो गए, वो तो कम मारा, कम मारा, आओ मारना चाहिए था, आओ दबा के मारना चाहिए था। सम्राट चौधरी को सम्राट हो, कोई हो, हैं? जनता से बढ़ के आप हैं, जनता से बढ़ कर माननीय है लो ना जी। माननीय कौन बनाया आपको, कौन बनाया? जनता बनाया। तो फिर जनता ना सर्वोपरि है जी, जनता के हित की बात ना आप कीजिएगा। अगर भाजपा के बड़े नेताओं को अपने कार्यकर्ताओं से अगर इतना प्रेम है, तो भाई एक कार्यकर्ता आपके प्रोटेस्ट में आपकी बात पर जान तक दे दिया, क्या उनकी पत्नी को राज्यसभा भेजेंगे? मैं पूछता हूँ आपको, ये लोग अपने कार्यकर्ताओं को आग में झोंक करके और एसी वाले रूम में जा करके इंजॉय लेते हैं। मिर्चाई का पाउडर झोंकिएगा, मिर्ची चोर कहीं का है। ये लोग परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को हमेशा चारा चोर चारा चोर। अरे मरे तो चारा तो बहुत बड़का चाहिए, तू लोग तो मिर्ची चोर निकला, पैकेट में मिर्ची लग रहे घूम रहे थे तुम लोग। बिहार में हो रहा है बवाल, कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहा जाता है कि जो राष्ट्रीय जनता दल की सरकार है ये लाठी डंडा से बात करती है और जबरदस्त पिटाई की है। इसी बात पे हमारे साथ में बात करने के लिए हैं संतोष रेणु यादव। संतोष जी से जानते हैं कि ये जो लाठी डंडा की सरकार है आपकी, ये कब तक शांत होगी? आप लोग के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग इतना मारे कि एक व्यक्ति की मौत हो गई। नहीं, सबसे पहले जहानाबाद जिले के रहने वाले विजय कुमार सिंह जी, जो कि भाजपा के जिला महामंत्री थे, उनकी जिस प्रकार से निधन हुई है, हमारी संवेदना उनके प्रियजनों परिवार के साथ है और उन्हें हम नम आँखों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, प्रणाम करते हैं उनकी पवित्र आत्मा को। और ये जो घटना जो हुई है, आपने कहा कि लाठी डंडा की सरकार है, तो आप तो कवर करने के लिए जंतर मंतर पे गए थे ना? गए थे, बिल्कुल गए थे। विनेश फोगाट जी, साक्षी मलिक जी, बजरंग पुनिया जी, आप कवर करने के लिए गए थे जब पीटा जा रहा था तब भी, और जब प्रोटेस्ट वो लोग कर रहे थे शांतिपूर्वक से तब भी। आप उस वक्त भी बिहार में होंगे जब डबल इंजन की सरकार थी, भाजपा सत्ता में थी और राष्ट्रीय जनता दल समेत तमाम जो विपक्ष के जो नेता थे उनको मार्शलों द्वारा जो विधानसभा से बाहर फेंकवाया गया था, और दलित समाज की महिलाओं को जबरन बिल्कुल बेतुके तरीके से व्यवहार किया गया था। आप ये भी देखे होंगे कि जब किसान लोग दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पे जब प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब यही भाजपा की सरकार जो आज तकलीफ होने पे आज चिल्ला रही है, यही नेता लोग बड़ा किसान लोग को व्यंग फवतियाँ कसते थे। तो ये जो है, जो घटना घटी है, प्रशासन आखिर क्या करेगी? आप प्रशासन के आँख में मिर्ची झोंकिएगा, ये मिर्ची चोर आज बोल रहे हैं कि बड़ा तकलीफ हो रहा है, तो कभी भी आपने सामने वाले की तकलीफ को समझने का प्रयास किया? नहीं, सामने वाले की तकलीफ को समझ रहे थे तभी तो डोमिसाइल नीति पे जो बातें हो रही थी, छात्रों के हित के लिए सड़क पे आ रहे हैं, आप लाठी चलवा रहे हैं। सड़क पे आएंगे मिर्ची लेकर के, मिर्ची का पाउडर लेकर के? आपके बाप का सड़क है? नहीं नहीं, आपके बाप का सड़क है, हैं? ये कहाँ का नीति है जो आप मिर्ची का पाउडर लेकर के आप आइएगा प्रशासन पे, आप मिर्ची का पाउडर फेंकिएगा, ये कहाँ की नीति है? आप तो उन छात्रों के, उन शिक्षक जो अभ्यर्थी थे, उनके उस मांग को आप अवैध वहाँ पे दिखा दिए ना। वो उपद्रवी लोग घुस गए थे उसमें, वो तो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के जो लोग उपद्रवी लोग घुस गए, भाजपा के लोग उपद्रवी होते ही हैं, आपने सही कहा। केस हो जाएगा आपके ऊपर, ये सब काहे बात बोलते हैं? केस मुकदमा भारतीय जनता पार्टी बिना फिजूले करवाती रहती है। पहले जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन के ऊपर
मिर्ची का पाउडर फेंका गया, पुलिस प्रशासन को गालियां दी गई, बताइए ये कैसे बर्दाश्त करती प्रशासन? और ये जो हिटलर शाही की सरकार नहीं ना है, आम जनमानस की सरकार है, यहाँ पे आम लोगों की मान सम्मान का भी ख्याल रखा जाता है, और जो वर्दी पहन करके जो प्रशासन हमारे समाज की सुरक्षा का दायित्व उठाए हैं उनके भी मान सम्मान का ख्याल रखा जाता है। लेकिन ये तो सही नहीं है ना, अगर कोई व्यक्ति अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आ रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, तो आप लाठी डंडा चलवा रहे हैं। प्रशासन को भी आज़ादी मिला है ना, उसी संविधान के तहत ना आज़ादी मिला था इन नेताओं को, तो प्रशासन की आज़ादी को आप छीन लीजिएगा, मिर्चाई का पाउडर झोंकिएगा मिर्ची चोर कहीं का है? ये लोग परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को हमेशा चारा चोर चारा चोर, अरे मरे तो चारा तो बहुत बड़ा काची है, तुम लोग तो मिर्ची चोर निकला, पैकेट में मिर्ची लग रहे घूम रहे थे तुम लोग, मिर्चाई का पाउडर झोंकिएगा मिर्ची चोर कहीं का है? ये लोग परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को हमेशा चारा चोर चारा चोर, अरे मरे तो चारा तो बहुत बड़ा काची है, तुम लोग तो मिर्ची चोर निकला, पैकेट में मिर्ची लग रहे घूम रहे थे तुम लोग। ये तो आरोप लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि यह हत्या कराया गया है, जो राष्ट्रीय जनता दल के सरकार में जो कुछ हो रहा है यह हत्या किया गया है, हत्यारा है, उनको 50 लाख रुपए की मुआवजा की बातें की जा रही है और बहुत सारी बातें आप लोगों के ऊपर कहा जा रहा है 50 लाख मुआवजा का। हम तो कहते हैं कि ये भाजपा के जो बातानुकूलित नेता हैं जो दिल्ली से बैठ करके इशारा करते हैं, अंग्रेजी में बोले ना एसी वाला, एसी वाले वही हम करें, जो एसी के कमरे में बैठ करके और जो वहाँ से इशारा करते हैं कि जाइए वहाँ पे ये कर दीजिए वो कर दीजिए, हम तो चाहते हैं कि अगर भाजपा के बड़े नेताओं को अपने कार्यकर्ताओं से अगर इतना प्रेम है तो भाई एक कार्यकर्ता आपके प्रोटेस्ट में आपकी बात पर जान तक दे दिया, हमारी जान पहचान थी, विजय कुमार सिंह जी जहानाबाद कही थी और हमको बहुत मानते थे, हमारी व्यक्तिगत एक रिलेशन थी, हमें बहुत तकलीफ हुआ है, लेकिन भाजपा के बड़े नेता उनके लिए क्या करें? क्या उनकी पत्नी को जहानाबाद से लोकसभा का टिकट देंगे? क्या उनकी पत्नी को राज्यसभा भेजेंगे? मैं पूछता हूं आपको, ये लोग अपने कार्यकर्ताओं को आग में झोंक करके और एसी वाले रूम में जाकर के एंजॉय लेते हैं, आपको पता है? मतलब आप कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि लाश के ऊपर राजनीति हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, भाजपा के जो बड़े जो नेता हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो अपने कार्यकर्ताओं को ऐसे ही ये आग के हवाले कर देती है और वहाँ से बस इंजॉय लेती है। ये कार्यकर्ता लोग समझें कि आप दंगाई मानसिकता वाले लोगों के नेतृत्व में अगर आप इस प्रकार से कार्य करेंगे तो आपके साथ क्या होता रहेगा? नहीं, आप लोग के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि जंगल राज की सरकार है, जंगल राज 3 चल रहा है, यहाँ अगर कोई आदमी किसी का विरोध करेगा लाठी से मार के कपार फाड़ दिया, सांसद को आप लोग नहीं पहचान रहे कि ये सांसद है, सिग्रीवाल जी को आप लोग मार के कपार फड़वा दिए तो काहे नहीं पिटाएंगे? कौची हो गए, बड़का गोगो है उनका है, जनता लोग पिटाएगा, किसान लोग पिटाएगा है, अभ्यर्थी लोग पिटाएगा, पुलिस लोग के मैंने आंख में मिर्चाई झोंकिएगा, आप बड़का गोगो हो गए, वो तो कम मारा, कम मारा, आओ मारना चाहिए था, आओ दबा के मारना चाहिए था, सम्राट चौधरी को कोई हो है, जनता से बढ़ के आप है, जनता से आप बढ़ कर माननीय है ना जी, माननीय कौन बनाया आपको, कौन बनाया? जनता बनाया। तो फिर जनता ना सर्वोपरि है जी, जनता के हित की बात ना आप कीजिएगा। आज देश में महंगाई जिस लेवल पे चला गया है, देश की अर्थव्यवस्था जितनी नीचे चली गई है, उस पे ये लोग क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते हैं? 200 रुपये किलो घी होना चाहिए, होता था कांग्रेस के सरकार में, लालू राज जैसे लालू राज में आज 200 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है। तो जनता को इस चीज से क्या मतलब है यार, महंगाई कम करो ना। तेजस्वी जाएंगे जेल, उसके बाद में सब कुछ हो जाएगा, लोग कह रहे हैं ना कि भाजपा वाला का माथा होगा फेल, तेजस्वी दिए रेल, समझे? ये तो गलत बात है। नहीं, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है, ये होना चाहिए था, और मैं सैल्यूट करता हूँ महागठबंधन के नेताओं को कि बिल्कुल सही तरीके से ट्रीटमेंट आपने किया। गाना बड़ी वायरल है, मरलेबा बहुत है, कौन गाना है वो? मरलेबा कस के सैया रे, अब पटना से चला था दवैया रे, तो पीएमसीएच का स्थिति भी ठीक हो गया है, इलाज का व्यवस्था ठीक हो रहा है। बहुत सारे लोग ये सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि सुबह में मिर्ची का पाउडर खरीदने गए थे, शाम में हल्दी का पाउडर, बस आज चुन्ना भी हमारे पनवारी भाई के यहाँ से चुन्ना भी बहुत खर्चा हो रहा है, अब हल्दी या चुन्ना दोनों लगाया जा रहा है। ये आम जनमानस की सरकार है, और आम जनमानस की सरकार में अगर आप जनता के साथ
षड्यंत्र रचेंगे तो यही होगा। और रही बात तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि सरकार आती जाती रहती है, जो आप कर रहे हैं ना आप उसको याद रखिएगा। घर में घुस के मारेंगे बोले थे। अरे तो वही तो कह रहे हैं, तो घुस घुस करके किया जा रहा है। आप देश की सम्मानित बेटियों को आप रोड पे कुचलेंगे, आप देश के किसानों को जो अन्न उगा करके आपके बाल बच्चों का पेट पालते हैं आप उनको आप मैंने देश के भीतर का आतंकवादी कहेंगे। आप उजर कुर्ता पहन के आ जाइएगा तो आपको लोग बड़ा प्यार करेगा, हैं? प्रशासन के आंख में मिचाई झोंकिएगा आप प्रशासन लोग बड़का आपको आरती उतारेंगे। तो बढ़िया से आरती उतरा है और ऐसे में अभी भी लोग सुधार कर लें। इस आरती उतरने का आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल, थोड़ा सा कम उतरा और हुमच के उतरना चाहिए था। चलिए, तो संतोष रेणु यादव है और ये अपनी बातों को बड़ी मुखरता से रख रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस तरह से व्यवस्था किया गया है इस तरह से होना चाहिए था, ये समर्थन करें। हालांकि एक बात और कह रहे हैं कि जिनके साथ में जिनकी निधन हुई है उनके लिए ये श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और ये बातें और कह रहे हैं कि जो बिहार सरकार के ऊपर में आरोप लगाया जा रहा है तो ये लोग उस समय कहाँ मौन थे, क्यों मौन थे जब मार्शल के द्वारा में राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की जो अन्य पार्टियां थे उन लोगों को जबरदस्ती पीट पीट के बाहर निकाला जा रहा था, या देश के पहलवान बेटियों के साथ में जब अन्याय किया जा रहा था दिल्ली के जंतर मंतर पर, तो उस समय ये लोग क्यों मन थे? बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नाम हमारा केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।